نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. هم لك آيات نمبر 43. يس يا مريم، اے مريم، اقنتي، فرما برداری کر، لربك، اپنے رب کی، فرما بردار ہو جا اپنے رب کے لیے، واسجدي، اور سجدہ کر، ورکعی، اور رکوع کر، مع راکعین، رکوع کرنے والے کے ساتھ. سو یہ اقنتی، اسجدی اور ارکعی، یہ تینوں کیا ہیں؟ فعل امر، فعل امر فار دا فیمیل، مؤنث کے لیے فعل امر. اس کا مذکر کیا ہوتا ہے؟ اقنت، ٹھیک ہے، اقنتی. یہ جو چھوٹی ہے نا، زیر اور چھوٹی ہے، ये फीमेल के लिए ऐड हो जाता है. अदरवाइज उस जोद उकनोत, ठीक है, एरका, ये क्या है, ये मुजक्कर के लिए यूज होते हैं, लेकिन छोटी है, ऐड हो जाती है इसको मुअन्नस बनाने के लिए. या मरियम उकनोती लिरब्बिका वस्जुदी वरकई मा राकईन. अब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को जब ये खुशखबरी दी गई कि अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया है, तो अब अल्लाह ताला उनको हुक्म क्या दे रहे हैं कि क्या हो? आप अल्लाह ताला के लिए फरमा बरदार हो जाइए और सजदा कीजिए और रुकू कीजिए मार राकिन. सजदा रुकू करने से क्या मुराद है? कि नमाजें पढ़ते रहिए, नमाजों की तरफ ध्यान दीजिए और नमाजों ही पर फोकस रहे. सिंस सजदा और रुकू जो है, अल्लाह के आगे सर झुकाना, अल्लाह के आगे झुक जाना, ये नमाज के साथ खास होता है, ठीक है. तो इस वजह से इसको स्पेसिफिकली इसकी इम्पोर्टेंस की वजह से मेंशन किया जाता है. या फिर यहाँ पर अल्लाह ताला अकीम सलात ही भी कह सकते थे कि नमाज कायम करो, लेकिन अल्लाह ताला के कह रहे सजदा और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, मतलब के नमाज पढ़िए और उसमें जो रुकू और सजदा है उसको सिग्निफाई किया जा रहा है, उसको अहमियत दी जा रही है उसके खास मकाम की वजह से. और ये भी है कि उन्हीं के ऊपर खास तवज्जो दी जाए, उनको लंबा किया जाए, उनमें लंबी लंबी तस्बीहात पढ़ी जाए, सजदे में दुआ की जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो उकनुती, उकनुती फरमा बरदारी करना. उकनुती क्या होता है? कुनूत क्या होता है? कुनूत इज बेसिकली हायर लेवल ऑफ फरमा बरदारी. ये शायद मैंने पहले आपको बताया भी था. तो बहुत ज्यादा फरमा बरदार हो जाना, बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल की इताअत दिखाना कि किसी किस्म की कोई नाफरमानी का शायबा भी ना हो, तो इसको कहते हैं कुनूत इख्तियार करना, ठीक है. कुनूत क्या होता है? हायर लेवल ऑफ फरमा बरदारी. इसीलिए जब सूरत निसा में जाते हैं ना, और वहां पर जब हम पढ़ते हैं कि औरतें क्या हैं, कानितीन है, तो कानितीन जब वहां पर पढ़ते हैं ना, अब इस सूरत इस आयत को देखिए, यहाँ पर कुनूत किसके लिए इख्तियार करने का कहा जा रहा है? लि रब्बी का, अपने रब के लिए, और अल्लाह के लिए कुनूत इख्तियार करने का कहा जा रहा है. इसीलिए जब सूरत निसा आती है ना, और उसमें औरतों की जब क्वालिटीज पढ़ रहे होते हैं, उसमें कानितीना का वर्ड आता है, तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो ये कहते हैं कि यहाँ पर भी कुनूत इख्तियार करना, फरमाबरदारी करना अल्लाह की, यही बात हो रही है. शौहर की फरमाबरदारी की बात नहीं हो रही, बल्कि कुनूत जो है वो अल्लाह के साथ खास होता है. कुनूत ऐसी फरमा बरदारी है जो कि खास तौर पर अल्लाह से रिलेटेड है और अल्लाह ही के लिए है. यानी दिस इज वन ऑफ द ओपिनियंस. क्यों है ये ओपिनियन? इसकी वजह मैंने आपको बताई है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आयत है, इससे भी हमें पता चल रहा है कि कुनूत जो है वो अल्लाह के लिए ही इख्तियार किया जाता है, ठीक है. लेकिन अलबत्ता उस आयत की, उसमें कानितीन जो है उसकी दूसरी इंटरप्रिटेशन क्या है, कि शौहरों की फरमा बरदार औरतें जो है वो क्वालिटी उनकी हाईलाइट की जा रही. तो बेसिकली शौहर की जो फरमा बरदारी है ना, वो अल्लाह की फरमा बरदारी से जुड़ी ही हुई है. अल्लाह की फरमा बरदारी करने का मतलब यही है
कि अल्लाह ने जिस जिसकी फरमाबरदारी का हुक्म दिया है ना, चाहे वो शौहर है चाहे वालदैन है, तो उसकी फरमाबरदारी तो की जाएगी ही, ठीक है। तो ये कानितीन का मैं मतलब बता रही थी। यहाँ पर अब इस आयत पर वापस आ रहे हैं, कानितीन दैट इज मेंशन इन सूरतुन निसा, यहाँ पर वापस आ रहे हैं। या मरियम कुनुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मा राकीन, ए मरियम फरमाबरदारी कर अपने रब के लिए, फरमाबरदार हो जा अपने रब के लिए और सजदा और रुकू कर मा राकीन। जालिका मिन अम्बाइल गैबी, ये है गैब की बातों में से। और ये जो है ना रुकू कर मा राकीन, सॉरी ये मैंने आपको बताना बताया नहीं, और मा राकीन ये फ्रेज जो है वहां पर भी आता है सूरतुल बकरा में भी रिपीट होता है। रुकू करने वालों के साथ रुकू करो का क्या मतलब होता है कि बाजमात नमाज अदा करना, ठीक है, लोगों के साथ नमाज अदा करना, इसको कहते हैं वरकई मा राकीन। तो बाजमात नमाज अदा करें, बाजमात नमाज में शरीक हो जाएं, ये भी हुक्म उनको दिया जा रहा है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को। ज़ालिका मिन अम्बाइल ग़ैबी नूही ही इलैका, ये गैब की खबरों में से है, हम वही करते हैं इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मतलब क्या बताया जा रहा है कि ये जो खबरें हैं, ये जो स्टोरीज हैं, चाहे वो हजरत जकरिया की हो, हजरत याहिया की हो और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की हो या हजरत ईसा की हो, ये आपको पहले से पता नहीं थी, आपको किसी ने भी ये इन्फॉर्म नहीं की थी, गैब की खबरें हैं ये, और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को पता है और अल्लाह ही आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा है। एक सेकेंड, यस जी। वमा कुंत लदैहिम इज युल्कून अक्लामहुम अय्युहुम यक्फुलु मरियम वमा कुंत लदैहिम इज यख्तसिमून, वमा कुंत लदैहिम, और नहीं थे आप इनके पास, इज युल्कून जब वो डाल रहे थे अक्लामहुम अपने कलम, ठीक है, अय्युहुम अपने कलम वो डाल रहे थे। अपने कलम डालने का क्या मतलब है कि अपने कलम के साथ ना रुके लिख कर डाल रहे थे, यानी पर्चियां डाल रहे थे, मतलब कि क्या हो रहा है, जो कुरानदाजी नहीं होती है, कुरानदाजी एक एक पर्ची चूज करनी है बेसिकली, कुरानदाजी इसको कहते हैं, इसके लिए एक और वर्ड भी होता है मेरे ध्यान से निकल गया, जो कॉमनली घरों में नहीं हम यूज करते, टॉस करना भी जिसको कहते हैं, टॉस कर रहे थे बेसिकली, ठीक है। तो वो कलम फेंक रहे थे, उनका कलम उसका बनाते थे ना, इनका लकड़ी वगैरह का, दरख्त की लकड़ी को ऐसे शार्प करके कलम बनाते थे, तो उसको फेंक कर बेसिकली उनका कोई टॉस करने का मेथड होता था। तो सारों के कोई कलम होंगे जो स्पेसिफाइड होंगे, तो फिलहाल वो कर क्या रहे हैं, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि आप उनके पास नहीं थे, हम आपको ये स्टोरी सुना रहे हैं कि जब जब क्या हो रहा था, जब वो लोग कलम जो थे ना उसको बतौर कुरान कुरानदाजी के तौर पे उसको फेंक रहे थे। अय्युहुम किस लिए फेंक रहे थे, ये देखने के लिए कि अय्युहुम यकफुलु मरियम, कौन इनमें से कफालत करेगा मरियम का, कौन इनमें से मरियम की, कौन इनमें से कफील होगा मरियम का, ठीक है। वमा कुंत लदैहिम इज यख्तसिमून, और ना ही थे तुम इनके पास जब वो आपस में झगड़ रहे थे, और ना ही आज सलम इनके पास थे जबकि वो आपस में झगड़ रहे थे, ठीक है। यख्तसिमून मीन्स बहस करना, आपस में बहस कर रहे थे। तो जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, अब ये थोड़ी सी पिछली बात हो रही है, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जब मेहराब में वक्फ कर दिया गया और वहां पर उन्होंने इबादत करनी थी, तो जो बनी इसराइल के बुजुर्ग होंगे या नेक लोग होंगे, वो सारे अब आपस में बहस कर रहे थे कि जी हम इसकी कफालत करेंगे, हम इस नेक बच्ची की कफालत करेंगे। तो कोई कहता होगा नहीं हम कफालत करेंगे, फिर कोई तीसरा कहता होगा कि नहीं जी हम कफालत करेंगे, ये जो मेहराब में इबादत करना है, वक्फ हो जाना है, दुनिया को बिल्कुल मुकम्मल छोड़ देना जो है, रहबानियत इख्तियार कर लेना, ये डेफिनेटली एक मुश्किल काम है, आसान काम तो नहीं है, और डेफिनेटली उस वक्त हर कोई तो नहीं कर रहा था ये काम, अगर हर कोई कर रहा होता तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द हमें उनका तो वो मेहराब था, उन्हीं के मेहराब में या इर्द गिर्द पे कहीं ना कहीं मस्जिद अक्सा में और भी लोग इसी तरह 100% डेडिकेटेड नजर आ रहे होते,
लेकिन 100% डेडिकेटेड फिलहाल हमें पता चल रहा है कि हजरत मरियम के साथ साथ वहां पे और कोई नहीं है जिसकी तरफ के लोगों का ध्यान हो। ठीक है, तो हर कोई क्या कोशिश कर रहा है कि वो भी इस कार्य खैर का हिस्सा बना बने, इस खैर के काम का हिस्सा बने, इसको हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत की जिम्मेदारी ले। और कफालत की जिम्मेदारी में क्या होता है कि उनको खाना पीना पहुंचाया जाए, उनका ख्याल रखा जाए, उनसे बार बार पूछा जाए, उनको किसी चीज की जरूरत है तो वो दी जाए। जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना कि मर्द अमूमन इतकाफ पे बैठते हैं तो फिर उनकी जरूरियात का ख्याल रखना होता है। एग्जैक्टली यही चीज। सही, तो कफील कैसे मुकर्रर किया था, कफील कौन था, ये तो अब हमें ऑलरेडी पता है, अल्लाह ने ऑलरेडी बता दिया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम कफील मुकर्रर हो चुके थे। वो कैसे हुए थे, प्रोसेस जहाँ पर बताया जा रहा है कि कलमों के जरिए से, कलम के जरिए से उनको फेंका गया था, उनके जरिए से कुरान अंदाजी की गई थी, टॉस किया गया था, और उसके जरिए हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने नाम निकाला था, नाम अल्लाह ताला सामने लेकर आए थे। सही, तो ये बेसिकली ये पॉइंट यहाँ बताने का पर्पस क्या है। एक तो मैंने आपको हमेशा इस बात पे एम्फेसाइज किया है, इस बात को हाईलाइट किया है मैंने कि कुरान मजीद क्या है। कुरान मजीद इज बेसिकली द स्पीच ऑफ अल्लाह। ठीक है, इट इज बेसिकली अल्लाह ताला का कलाम। कलाम में क्या होता है, कलाम में ऐसे नहीं होता कि आप एक सीक्वेंस में चल रहे हैं कि जी सबसे पहले ये हुआ था तो यही बात बतानी है, नंबर टू पे ये हुआ था तो यही बताना है। क्रोनोलॉजिकली जैसे चलते हैं ना, टाइम के एतबार से, तारीख के एतबार से, या ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, उसके एतबार से जी फर्स्ट अकरेंस ये थी, सेकंड अकरेंस ये थी, थर्ड ये थी, तो इस हिसाब से बताएं। जैसे ये पहले हुआ था वाकया तो हजरत जकरिया वाली स्टोरी से तो पहले बताया जाए। ये कहाँ पर होता है, ऐसा बुक्स में होता है। ठीक है, बुक्स की जो स्ट्रक्चर होता है, बुक्स का जो ऑर्डर होता है, वो इस बात पे बेस्ड होता है, चैप्टर्स की डिवीजन इस इन बातों पर बेस्ड होती है। और एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो वो उस टॉपिक को दोबारा नहीं उठाया जाता। फॉर एग्जांपल साइंस की बुक्स हैं, उसमें जब हम फोर्स का टॉपिक पढ़ लिया तो हम स्पीड के टॉपिक पे जा रहे हैं तो फोर्स को दोबारा तो नहीं उठा रहे ना, तो स्पीड पढ़ लेंगे तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी एटसेट्रा उसको टच करेंगे तो वापस तो नहीं जाएंगे। तो इस तरह आगे आगे आप बढ़ते जाते हैं और एक ही टॉपिक को जब टच करते हैं तो उसमें भी उसका एक सर्टेन ऑर्डर होता है और उसको फिर कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज हाउ बुक्स आर। ओके, तो कुरान मजीद इज प्राइमरीली द स्पीच ऑफ अल्लाह, अल्लाह का कलाम है। जब हम बातचीत करते हैं ना तो बातचीत में ये ऑर्डर शॉर्डर नहीं देखा जाता। बातचीत में यानी ऑर्डर तो एक होता है लेकिन किताब वाला ऑर्डर नहीं होता, ये मेरा मतलब था। यानी ऑर्डर बाय अकरेंस हो गया, ऑर्डर बाय क्रोनोलॉजी हो गया, ऑर्डर बाय टाइम और डेट्स हो गया। ठीक है, क्रोनोलॉजी इज डेट्स लेकिन ऑर्डर बाय टाइम हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो नहीं होता बातचीत में। बातचीत में क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको स्टोरी सुना रही हूँ, तो हो सकता है कभी मैं क्रोनोलॉजी वाइज बताऊँ, जुबानी बताने की अब बात कह रहे हैं हम, कभी मैं आपको डेट वाइज बताऊँ, कभी मैं आपको इम्पोर्टेंस वाइज बताऊँ कि अहम अहम वाकयात। जैसे आप मुझसे पूछे कल क्या क्या हुआ था, अब मैं कल सुबह से रात तक के जो वाकयात सुनाऊंगी, एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं सुबह से शुरू हूँ और लाइन से ही चलूँ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस या डेट या टाइम, टाइम के एतबार से मैं चलती जाऊँ कल की स्टोरी बताते हुए। लेकिन दूसरा मेथड क्या है, कल जो अहम बातें हुई थी ना वो मैं पहले आपको बताऊँ कि तुम्हें पता है क्या हुआ था, कल मैं मार्केट गई थी तो अब मैंने मार्केट में भी चाहे 10 दुकानें देखी हैं, उन 10 दुकानों में से भी ना जो जो चीज मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइक की और या अट्रैक्ट की या सबसे अहम चीज मैंने खरीदी, मैं सबसे पहले आपको वो बताऊंगी। अमूमन हम क्या करते हैं बातचीत में, ये स्टाइल होता है हमारा, ठीक इस तरीके से हम बातें करते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि अब मैंने सारा बता दिया, मार्केट की सारी स्टोरी सुना दी, फिर मैं बताऊं कि हाँ नाश्ते में मैंने ये खाया था, सुबह की बात मैं बाद में बता दूं। तो बातचीत में कलाम का ये स्टाइल होता है और कलाम में ऐसे ऐसे ही चला जाता है। आप लोग भी बातचीत ऐसे ही करते हैं, हम भी बातचीत ऐसे ही करते हैं। तो व्हाट नीड्स टू अंडरस्टैंड इज दैट कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है, कुरान पढ़ी जाने वाली चीज है, अल्लाह ताला का कलाम है, और कलाम का जो स्टाइल होता है वो स्टाइल ही इसमें कुरान मजीद में मोस्ट ऑफ द टाइम एडॉप्टेड है, यानी हमें नजर आता है। एडॉप्टेड इज नॉट द राइट वर्ड फॉर टू यूज फॉर अल्लाह ताला, उसको इरेज करते हैं हम,
कुरान मजीद में जो कलाम इलाही है बेसिकली, इसके ऊपर हम इसमें हम वो स्टाइल अमूमन देख रहे होते हैं जो कि हम नॉर्मली स्पीच की खसूसियात में भी देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपको पता है कि कुरान मजीद की जो सूरतें उनके कॉम्पोजिशंस भी हैं, उनके रिंग स्ट्रक्चर भी है, उनका एक सर्टेन ऑर्डर भी है जो जिसके ऊपर के फिर बुक्स में बहुत ज्यादा हमें डिस्कशंस मिलती हैं। और सूरतुल बकरा में हमने उसको उस जो पूरी सूरत को समराइज किया है, वी डिड स्टडी दैट। तो इस सूरत को भी इंशाल्लाह जब समराइज करेंगे तो वो ओवरऑल जो कॉम्पोजिशन है वी विल गो इन टू दैट। लेकिन यहाँ पर अब आपको समझ आ गई कि वाई दिस आया इज कमिंग ओवर हियर, ओके, बिकॉज दैट इज नॉट अ बुक। बुक का ऑर्डर यहाँ पर फॉलो करने की कोई खास जरूरत है नहीं, इसको बस समझ जाइए। अदरवाइज जो वेस्टर्नर्स होते हैं ना, ये ऐसे लोग जिन्होंने एतराज करना होता है, जिनका पर्पज ही ये होता है, वो कुरान मजीद को ओपन इसलिए करते हैं कि जी हम एतराज करें, तो उन लोगों को फिर ना यही वाले पॉइंट्स मिलते हैं एतराज करने के लिए। तो अब हमें पता चल गया कि अल्लाह ताला ने कफील मुकर्रर किया था, और कफील जो मुकर्रर किया था उसका मेथड क्या था। वमा कुंत लदैहिम इज यख्तसिमून, और आप उनके पास नहीं थे जब वो बहस कर रहे थे, यानी वो बहस भी कर रहे थे कि नहीं, ये ठीक से कुरानदाजी नहीं हुई, दोबारा कुरानदाजी करो, या कोई और बहस कर रहे होंगे कि जिसमें कि बेसिकली वो इस पे मुतमईन नहीं थे कि जी मैं कफील क्यों नहीं हूँ, मुझे कफील होना चाहिए। हर एक की ये कोशिश थी कि मुझे कफील होना चाहिए और कुरानदाजी दोबारा करो, या सही से कुरानदाजी करो, या ये क्या बात हुई एटसेट्रा, जो भी उनके मसले मसाइल होंगे, और उसको बकायदा डिस्कस कर रहे थे। तो ये उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात थी। और ये याद रखिएगा कि बनी इसराइल के ये सारे लोग कौन है, वो सबके सब मुसलमान है, ये सारे मुसलमान है वहां पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को फॉलो करने वाले मौजूद है वहां पर, और उनमें ऑलरेडी हजरत जकरिया नबी मौजूद हैं, जो कि डेफिनेटली ही मेक श्योर ही मेड श्योर दैट हर कोई इस्लाम को सही से प्रैक्टिस कर रहा हो। दिस इज व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट इज। आगे देखिए, इस कालतिल मलाइकातु, जब कहा फरिश्तों ने, या मरियमु, ए मरियम, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, अब कंटिन्यू हो रही है कॉन्वर्सेशन विद मरियम अलैहिस्सलाम, जो बस शुरू की, वो कुछ खबरी देता है आपको। तो काफ़िर की इज अ प्रोनाउन फॉर, अटैच प्रोनाउन फॉर, जमीर मुत्तसिल है किसके लिए, मुअन्नस के लिए। तो जो बस शुरू की, जब हम लोग ग्रामर नहीं पढ़ रहे होते, कुरान मजीद की ग्रामर पढ़ रहे होते, तो उसमें हमें ना होमवर्क्स मिलते हैं, अमूमन मुअन्नस के सीगे ढूंढ के लाएं कुरान मजीद में से, या मुअन्नस के प्रोनाउंस ढूंढ के लाएं, या नाउंस ढूंढ के लाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यूजली वो हमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की ही स्टोरी से मिल रहे होते हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद है, फिर सूरह मरियम में है, फिर सूरह तहरीम में है, राइट। तो यहाँ से हमें मुअन्नस के सीगे अमूमन मिलते हैं, फिर सूरतुल बकरा के एंड में जो तलाक की आयात की डिस्कशन है वहां से भी मिल जाते हैं, सूरतुल तलाक से मिल जाते हैं बहुत सारे, और सूरतुल निसा में भी, ये मत समझिएगा कि सारी सूरत में ही औरतों की बात है, देयर इज वन पोर्शन जहाँ पर औरतों की बात है, तो वो औरतों के पोर्शन से भी मिल जाते हैं सीखे, बट मैक्सिमम एज फार एज आई कैन गेस, दिस इज माई गेस, के वो हजरत मरियम की स्टोरी से ही मिल रहे होते हैं। तो ये फिर ग्रामर की असाइनमेंट्स करने में भी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो इन अल्लाह युबशिरु की बी कलिमतिन मिन्हु, बेशक अल्लाह खुशखबरी देता है तुम्हें कलिमा की, एक कलमे की अपनी तरफ से, इस्मुहु, नाम उसका, अल्मसीहु, अल्मसीह होगा, अल्मसीहु ईसा बनु मरियम, अल्मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा उनका नाम, वजीहन फिर दुनिया, वजाहत वाले होंगे दुनिया में, वल आखिरती, और आखरत में, मिनल मुकर्रबीन, मुकर्रबीन में से होंगे। अब अल्लाह ताला हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दे रहे हैं और साथ साथ उनकी क्वालिटीज भी बता रहे हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला उनको खुशखबरी दे रहे हैं कि विलादत की, और ये कि वो उन अल्लाह की जानिब से एक खास कलिमा होगा। खास कलीमा का क्या मतलब है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कलमाए कुन से पैदा होंगे, कि अल्लाह ताला फरमाएंगे कुन फयकून, तो वो हो जाता है, कुन फयकून हो जा, और तो वो हो गया, ये कलमाए कुन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होंगे। आगे जाके भी इस बात की ना दोबारा रिवीजन भी होगी आगे जाकर।
बिकलिमते मिन्हु, जो अल्लाह ताला की तरफ से कलिमा होंगे यानी ये खास कलिमा होंगे। इस्मुहु, क्या नाम होगा उनका? अलमसीह ईसा इब्ने मरियम। इब्ने मरियम मतलब मरियम अलैहि सलाम के बेटे। तो हजरत ईसा की बर्थ जो है, डेट इज मिराकलस बर्थ, मोजजाती पैदाइश है उनकी, विदाउट एनी फादर, विदाउट एनी मेल इन्वॉल्व, बगैर किसी बाप के, ठीक है। डेट इज वाई हजरत ईसा अलैहि सलाम, मोस्टली व्हेन वी गेट हिज नेम इन द कुरान, वी यूजली रीड ईसा इब्ने मरियम, तो साथ ईसा इब्न मरियम पूरा मेंशनड होता है नाम बकायदा मरियम अलैहि सलाम के साथ। और मरियम अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने ये इज्जत दी है कि कुरान मजीद में बार बार उनका नाम मेंशनड होता है, बार बार नाम मेंशनड है। अदरवाइज हजरत आसिया अलैहि सलाम का नाम कुरान मजीद में मेंशनड नहीं है, बाय नेम शी इज नॉट मेंशनड। एंड देन हजरत खदीजा है, हजरत फातिमा है, द फोर वेमेन जिनका कल हमने जिक्र पढ़ा था, द अदर थ्री आर नॉट मेंशनड बाय नेम। एंड देन कम्स हजरत आयशा, हजरत आयशा की अपनी फजीलत रजी अल्लाह ताला अन्हा, बट शी इज ऑल्सो नॉट मेंशनड बाय नेम। सो देर इज नो अदर वेमेन एज फार एज आई रिमेम्बर हुज नेम इज मेंशनड इन कुरान मजीद अदर देन मरियम अलैहिस्सलाम। सो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट शी इज, इनकी जो फरमाबरदारी का लेवल, इनकी इबादत इलाही का क्या लेवल था कि अल्लाह ताला ने इनको चुन लिया और इनको इतनी बड़ी खुशखबरी दी। खुशखबरी क्या है? बेटे की खुशखबरी के साथ साथ बड़ी खुशखबरी क्या है कि नबी है, नबी की विलादत की खुशखबरी उनको दी जा रही है और उनको अल्लाह ताला ने चुन लिया है इस मुश्किल वक्त से गुजारने के लिए अकेले, के वो बाद में के वो सारे मुसलमानों की, बनी इसराइल के जो मुसलमान है उनसे, उनके ताने भी सुनने पड़ेंगे, उनकी बातें भी सुननी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये मुश्किल हालात में से गुजर कर अल्लाह ताला उनको दरजात देने वाले, उनको फजीलत दी है। तो ये सब एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो हजरत मरियम अलैहि सलाम के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर पेश किए, ठीक है। अलमसीह क्या है? अलमसीह इज बेसिकली टाइटल फॉर हजरत ईसा इब्ने मरियम। अलमसीह क्या होता है? अलमसीह सियाहत करने वाले को भी कहते हैं। सियाहत करना मीन्स जो घूमता है, जो सैर करता है, जो फिरता है। तो हजरत ईसा अलैहि सलाम को हमें पता है, जब इन्होंने बनी इसराइल ने फांसी पर चढ़ाने की कोशिश की थी, अल्लाह ताला ने उनको ऊपर उठा लिया था आसमानों में, तो वो अभी हयात हैं, जिंदा हैं आसमानों में, दोबारा आएंगे दुनिया में। तो जब दोबारा आएंगे ना, तो वो पूरी दुनिया, ही विल ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, जैसे आजकल भी लीडर्स वगैरह ट्रेवल करते हैं, तो डेफिनेटली वही सारा कुछ हजरत ईसा अलैहि सलाम पर एप्लीकेबल होगा, बल्कि उससे भी ज्यादा। तो हजरत ईसा की जब खिलाफत होगी तो ही विल डेफिनेटली ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूमेंगे। तो दैट इज, सम स्कॉलर्स से दैट दिस इज वाई अल मसीह ही इज कॉल्ड अल मसीह। सेकेंड रीजन इसका क्या है? अल मसीह का मतलब ये भी होता है जो इलाज करके, बेसिकली सेहत देने वाला, इलाज इलाज करके दुरुस्त कर देने वाला, ठीक कर देने वाला, वो भी अलमसीह है। तो हजरत ईसा अलैहि सलाम को हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने जो मोजजात दिए, और कई मोजजात दिए हजरत ईसा अलैहि सलाम को भी, तो उनमें से जो पीक का मोजजा था डैट वाज के वो जिसको स्किन की बर्ड्स की बीमारी होती थी उसको ठीक कर देते थे, नाबीना को आंखें दे देते थे और मुर्दा को जिंदा कर देते थे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से करते थे। और बेसिकली तो मौजजा करने वाला अल्लाह ही है, उसका जहूर हजरत ईसा अलैहि सलाम के हाथ पे होता था। और ये जो तीन मौजजात है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर नबी को आपको पता है ऑलरेडी, हर रसूल को अल्लाह ताला क्या मौजजा देते हैं जो उस कौम के एतबार से मोस्ट सूटेबल होता है, ठीक है। वही मोजज़ा उस रसूल को दिया जाता है ताकि जो वो कौम है वो आजिज आ जाए, ठीक है, वो कौम मजबूर हो जाए, तो आजिज आ जाए, मजबूर हो जाए, कमजोर पड़ जाए और अल्लाह के आगे झुक जाए। दिस इज बेसिकली द पर्पज ऑफ द मोजज़ा। मोजज़ा एजाज, एजाज दिखाना ताकि इंसान आजिज हो जाए, ठीक है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ा क्या दिया था? असा फेंके और वो बड़ा सारा सांप बन जाए, क्योंकि उनके जमाने में जादू बड़ा कॉमन था, जादूगर जो है वो इतना कॉमनली और इतना एक्सपर्टली जादू करते थे कि हजरत इस मूसा को ऐसा ही मोजज़ा दिया गया जो कि उनके जादू को काउंटर करे।
और जादूगर भी देख के बोल दें कि ये जादू नहीं है, फिरौन कह रहा था ये जादू है, लेकिन जो एक्सपर्ट है वो देख के बोल दे भाई ये जादू नहीं है, ये वाकई अल्लाह की तरफ से ही है, हम मानते हैं भाई। इसी तरह हजरत ईसा के जमाने में ये जो इलाज है ना, इलाज मुआलजा, साइंस जो है इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, वो बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी थी। तो इतनी तरक्की, जब इलाज इतने इन लोगों ने निकाल लिए थे, लेकिन डेफिनेटली मुर्दे को तो नहीं जिंदा कर सकते थे, नाबीना को आंखें देनी इन्हें नहीं आती थी, और बर्ड्स की बीमारी ठीक करनी नहीं आती थी। तो वो मोजज़े अल्लाह ताला ने दिए, जिनको देख कर ये बोलें कि हाँ हम तो एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन ये काम तो वाकई हम नहीं कर सकते। और देखिए दुनियावी तौर पे जब हम बात करते हैं ना, तो इससे बड़ा मोजज़ा क्या हो सकता है कि मुर्दे को ही जिंदा कर दो, समझ आ रही है? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ना पीक के मोजज़े दिए गए थे, क्योंकि बनी इसराइल के ये आखिरी रसूल थे। इनके बाद बनी इसराइल के बाद बनी इस्माइल में फिर अल्लाह ताला ने आपसे सलम को भेजा, और आपसे सलम तमाम जहानों के लिए हैं, इनके लिए भी अल्लाह के रसूल ही थे, लेकिन इनके ऊपर बनी इसराइल के जरिए से भी हुज्जत तमाम करनी थी, तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे बड़े बड़े मोजजे दिए। इसी तरह आपसे सलम को जब अल्लाह ताला ने मोजजा दिया है कुरान मजीद, तो वो भी किस लिए? क्योंकि आपके जो अरब के लोग थे वो एक्सपर्ट किस में थे? लिटरेचर में, वो अदब में, अरबी अदब में एक्सपर्ट थे, इसलिए उनको कुरान एज अ मोजजा, सबसे बड़ा मोजजा पेश किया गया, ताकि वो उसको देखकर एक्सपर्ट कह दें कि नहीं जी ये तो हम नहीं कर सकते, हम इसके सामने आजिज हैं, इस मोजजे के सामने हम आजिज हैं, हम कमजोर पड़ गए, ये वाकई अल्लाह की तरफ से हम मानने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत दफा हुआ सीरत में, ऐसा बहुत दफा हुआ कि ये जो एक्सपर्ट्स होते थे अरेबिक लैंग्वेज के, ये जब कुरान सुनते आपसे सलम की जुबान से, कुरान सुनते जुबान मुबारक से, तो उन पर ऐसा असर होता कि वो कहते थे कि ना ये जिन का कलाम है ना ये इंसान का कलाम है, ऐसा तो कुछ हमने कभी सुना ही नहीं है, और ईमान लेकर आते थे। तो मक्की दौर में सीरत में बहुत सारे वाक्यात हमें इस तरह के मिलते हैं। राइट, सो गेटिंग बैक टू द पॉइंट, इस्मुहुल अल इस्मुहु, तो अल मसीह जो है इसका ये भी मीनिंग बताया जाता है, और स्कॉलर्स ये दोनों मीनिंग बताते हैं, और देयर कैन बी सम अदर मीनिंग्स एज वेल। तो इस्मुहु अल मसीहु ईसा बिनु मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरती वल आखिरती वा मिन अल मुकर्रबीन। जहाँ पे वा है, पहले मैंने ये वा मिस कर दिया था रेड एंड ब्लू फॉन्ट की वजह से, वा और वो मुकर्रबीन में से होंगे। वजीह का क्या मतलब है? यानी मर्तबे वाला होगा, ठीक है, उनका मर्तबा होगा दुनिया में और आखिरत में भी, और अल्लाह ताला के हाँ वो मुकर्रबीन में से होंगे, अल्लाह ताला के जो करीबी लोग होते हैं कुर्बत वाले उनमें से होंगे। जैसे पीछे ज़करिया की खुशखबरी में अल्लाह ताला ने क्या बताया था कि वो मिन सालिहीन, नेक लोगों में से होंगे, तो नेक लोग ही मुकर्रबीन होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, और मुकर्रबीन भी नेक लोग ही होते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट द सेम थिंग, राइट? एंड वो इनका स्टेटस होगा दुनिया और आखरत में, वयुकल्लिमुन्नास, और वो कलाम करेंगे लोगों के साथ। तो जिस विलादत की खुशखबरी दी जा रही है, नाम अल्लाह ताला बता रहे हैं, उनके ट्रेट्स बता रहे हैं कि उनको इज्जत वाले होंगे दुनिया और आखरत में, अल्लाह के मुकर्रबीन में से होंगे, और फिर अल्लाह ताला निशानी बता रहे हैं कि वो कलाम करेंगे लोगों के साथ, यानी वो गुफ्तगू करेगा लोगों के साथ, फिल महदी, महद मतलब झूले में से, गोद में से, झूले में से, ठीक है, यानी पैदा होते ही, तो गोद में से बेसिकली वो कलाम करेंगे, गहवारे में से, वकहलन और पुख्ता उम्र में भी, ठीक है, पुख्ता उम्र में भी लोगों से कलाम करेंगे, और गोद से ही लोगों से कलाम करेंगे। कहलन मतलब जब पूरी उम्र हो जाती है, तो पूरी उम्र में एंड में जाके भी और शुरू से ही कलाम करने का यहाँ क्या मतलब है कि एज अ नबी कलाम करेंगे, एज अ नबी अल्लाह ताला का मैसेज देंगे, व मिन सालिहीन, और वो नेकोकारों में से होंगे। तो मोजज़ा अब यहाँ से हमें पता चल रहा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक और मोजज़ा। तो नबियों को ये याद रखिएगा, अल्लाह के रसूलों को सिर्फ एक ही मोजज़ा नहीं दिया जाता, और ज्यादा मोजज़ात भी होते हैं। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है ना इन सूरतुल आराफ के, अल्लाह ताला ने उनको 9 मोजज़ात दिए थे, 9 मिरेकल्स थे उनके। तो उनमें से एक ये था कि उनका हाथ रोशन हो जाता था जब वो उसको ओपन करते थे, यदे बैदा जिसको कहते हैं, स्टिक को फेंकना, फिर
जो बारिशें हुई थी, इतनी टिड्डियों की बारिश, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, 9 ही मेंशन है सूरतुल आराफ में, तो 9 मिरेकल्स थे उनके। इसी तरह हजरत ईसा के भी ज्यादा मिरेकल्स थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एजाज है, आप सल्लम के भी मेन मिरेकल वाज कुरान मजीद, बट शक्ल कमर, कमर का चांद का शक हो जाना, दैट वाज आल्सो अ मिरेकल। उसके बाद फिर बहुत सारे मिरेकल आपको दिए गए, कभी आपकी उंगलियों मुबारक से पानी का निकलना दिखाया गया, कभी एक ही गिलास दूध का होता था, उसी में से जितने लोग बैठे हैं सारे पी रहे हैं लेकिन दूध कम नहीं हो रहा। इस तरह के बहुत सारे मिरेकल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा मोजजात दिखाए। अगर कुरान मजीद वाज द बिगेस्ट वन, देन शक्ल कमर वाज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट। और कुरान मजीद तो सबसे बड़ा मोजजा हो गया ना, और शक्ल कमर भी कोई छोटी चीज नहीं है देखें। और उसके बाद इतने सारे मोजजे दिखाए कि जो इर्द गिर्द देखे लोग होते थे ना, कुफार थे, मुनाफिकीन थे, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था इस बात को एक्सेप्ट करना कि ही इज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह एंड दे शुड बी बिलीविंग इन हिम, राइट। तो हजरत ईसा अलैहि सलाम का एक मौजजा क्या है कि वो बचपन से ही, गोद से ही कलाम करेंगे। तो गोद से ही वो बताते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह का खास बंदा हूँ, और तुम लोगों को अल्लाह का पैगाम देने के लिए आया हूँ। और अगर वो ना बोलते तो हजरत मरियम अलैहि सलाम की जो पाकीजगी थी उसका क्या बयान होता। तो उसको भी बयान किया जा रहा है कि भाई मैं अल्लाह का मौजजा हूँ और मैं अल्लाह का नबी हूँ। डायरेक्टली आते ही वो अपनी माँ की पाकीजगी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपना स्टेटस भी बता रहे हैं, ठीक है, एक मौजजा। और ये बनी इसराइल जो है ना, इन लोगों को अल्लाह ताला ने इतने नबी इनमें भेजे, हर नस्ल में नबी, बल्कि हर नस्ल में दो दो नबी भी होते थे इनके यहाँ। जैसे अभी हम देखेंगे कि इस जनरेशन में हजरत ईसा हैं तो साथ हजरत याहिया भी तो हैं, हजरत याहिया की भी बर्थ हो रही है और साथ साथ ही हजरत ईसा की भी बर्थ हो रही है, दो दो नबी हैं। हजरत मूसा थे तो साथ हजरत हारून भी थे, ठीक है। तो एक ही नस्ल में दो दो नबी भी होते थे, या अदरवाइज हर नस्ल एक के बाद एक नस्ल, एक के बाद एक नस्ल, इस तरह भी नबियों का सिलसिला चल रहा था। जैसे हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इसहाक, उनके बेटे हजरत याकूब, उनके बेटे हजरत यूसुफ, तो पूरी लीनियज पूरी लाइन से नबी चल रहे हैं। इन लोगों को तो इतनी आदत थी नबियों की, और इनके लिए ये कोई अजीब बात नहीं थी कि एक नबी है या एक रसूल है और वो मौजजा दिखा रहा है। मौजजा तो कुछ भी हो सकता है जो कि इंसान को आजिज करे, लेकिन फिर भी इनके बहुत सारों ने इस बात को मानने से इनकार किया, क्लियरली देखते हुए कि एक बच्चा बोल रहा है गोद से, और ये क्लियरली एक मौजजा है जो इन्होंने कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी इनमें से बहुत सारों ने इनकार किया। तो इंशाल्लाह विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर टुमारो। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.